मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर तहजीब संस्था की ओर से मुरादाबाद के संभल रोड स्थित डबल फाटक क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था की संस्थापिका आरती गुप्ता द्वारा महिला मजदूरों को उपहार दिए गए, साथ ही उनको रोजगार से जोड़ने की बात भी कही गई। मंगलवार को डबल फाटक चौराहा पहुंची तहजीब संस्था की संस्थापिका आरती गुप्ता ने महिला मजदूरों का हालचाल जाना और उनकी मदद करने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से कहा कि वो खुद का रोजगार स्थापित करें, जहां उनको मदद चाहिए उनकी मदद भी की जाएगी। इस मौके पर आरती गुप्ता के साथ मुरादाबाद चाइल्ड लाइन प्रभारी श्रद्धा शर्मा भी मौजूद रहीं। एक सिल पड़ती है हमें 100 रुपए की, 150 की बिक जाती है, एक सिल पे 20 रुपए मिलते हैं। 20 रुपए पूरे दिन में, पूरे दिन में 20 रुपए कमा पाती हो? नहीं, दो तीन दिन है तो 100 रुपए। तकरीबन कितना कमा लेती हूँ पूरे दिन में? 300 रुपए। तकरीबन 300 रुपए आप घर ले जाती हो? तो आपके आदमी भी इसी काम में है और आप लोग भी इसी काम में हो? तकरीबन 300 से 400 रुपए आप महीने में, दिन के आप कमा लेती? कभी कभी कुछ भी नहीं, कभी कभी कुछ भी नहीं, रुपया भी नहीं। बच्चे सबके पास हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे? पढ़ रहे हैं, कोई कोई नहीं पढ़ रहे। हो जाता है गुजारा वगैरह बच्चों का इस कमाई में? हो जाता है, हो जाता है मैडम। अच्छा, आपकी आपकी कोई दिक्कत है तो कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता, हम कितना ही करते हैं। मतलब हमारी कोई दिक्कतें होती है तो हमारे यहाँ नेता है रानी सैनी, वही सुनती है। तो आपका समाधान हुआ है दिक्कतों का? समाधान हुआ है आपको का? हमारे रोड, हमारे यहाँ सड़कें नहीं है, शौचालय नहीं है, तो बनवाए कभी नहीं है। वोट देने को हमारे यहाँ 400 है हम लोगों के, मगर आज तक कोई सुनाई नहीं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप जीतने के बाद कोई नेता साफ नहीं, जीतने के बाद नेता साफ नहीं रहता। चलिए, मैं बड़ा बड़ा प्रश्न पूछने जा रही हूँ आप लोगों से, बुरा मत मानिएगा इस चीज़ का बिल्कुल भी। मैं नहीं चाहती, भगवान का ना करे कि कभी कोई ऐसी दिक्कत आप लोगों के घर में आए। जी, आज कहाँ पहुँचे हैं और क्या मामला है? आज हम लोग डबल फाटक आए हैं, और क्योंकि कल मई दिवस है, मजदूर दिवस के नाम से, श्रमिक दिवस के नाम से हम लोग मनाते हैं, तो आज हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा टाइम हम इन लोगों के बीच में व्यतीत करें, इनकी समस्याएं सुने, और मजदूरों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए तहजीब की तरफ से हम लोग आवाज़ उठाएं। हम एक टोल फ्री नंबर की भी डिमांड करेंगे, हमारे DLC हम लेबर ऑफिस जाएंगे, इन लोगों के लिए टोल फ्री नंबर हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, तो हमारे मजदूरों को हम जो सम्मान है वो दिला सके। कितनी मजदूरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब उठते हैं, कब खत्म हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो जितना हम उन लोगों के लिए कर सके वो हमारी कोशिश रहेगी। उनके मौलिक अधिकार के लिए आज हम लोग उनसे बात करने आए हैं।